निशा क्या हुआ? Everything's all right? Yes sir, all good. अगर सब ठीक होता तो तुम ऐसे कैफे के बाहर नहीं बैठी होती, बताओ क्या हुआ? सर सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. देखो तुम अगर मुझे बताओगी तो मे बी आई कैन हेल्प यू आउट. नहीं सर, एक्चुअली कैफे में कोई आया नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ. निशा कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा. तुम तो हमेशा हंसती खेलती रहती हो. ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अंदर टेबल सेट करके आ जाती हूँ. रुको, अभी कैफे ओपन होने में बहुत टाइम है. तुम बताओ मुझे पहले क्या हुआ. सर मैं कैसे बताऊँ, मैं डांसर बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे आगे एक शर्त रख दी है कि मुझे ग्रेजुएशन भी साथ में करनी पड़ेगी. और ये दोनों चीजें मैं साथ में कैसे मैनेज करूंगी? जब डांस के ऊपर फोकस करती हूँ तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती, और जब पढ़ाई पर करती हूँ तो पैशन नहीं फॉलो कर पाती, और अगर दोनों साथ में भी करती हूँ तो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी, और इस वक्त मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है. सर तो कोई मेरी मदद करने के लिए भी नहीं है. सर मदद तो छोड़ो, कोई मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है. कभी कभी तो बहुत अकेला महसूस करती हूँ सर. देखो पहले तो तुम इतना उदास मत, और अभी के लिए तुम यहीं रुको, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर लूंगा. सर ये क्या है? ये तुम्हारे लिए टास्क है, आओ बताता हूँ. अब तुम्हें ये सब इस ग्लास के अंदर फिट करना. क्या हुआ? नहीं हुआ? मैं बताता हूँ कैसे हुआ. देखो ये जो बड़े स्टोन्स है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि तुम्हारा पैशन, तुम्हारा करियर. तो सबसे पहले इसको डालो, ठीक है? और ये हैं पेबल्स, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, मूवीज, सोशल लाइफ, ये सब जिन्हें तुम्हें जरूरत के हिसाब से टाइम देना चाहिए, बट तुम अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं के साथ स्पेंड कर रही हो. फिर ये, और फिर ये बाकी की नॉर्मल थोड़ी बहुत चीज़ें. ये देखो सब कितने आराम से फिट हो गया. बस इसी तरीके से अगर तुम नीट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को टाइम दोगी ना तो सब मैनेज हो जाएगा. चलो फिर कैफे ओपन करने का टाइम हो गया, चलते हैं. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.